पुरुषों से खत्म है, इंसान से खत्म है। इंसान जब तलबगार होता है, जब तलबगार होता है, चाहत होता है और फरियादी बन के फरियाद करता है और जब आंसू बहाता है तो उसको रहम आ जाता है, अल्लाह को रहम आ जाता है। फिर प्यारे नबी के सदके तुफैल में सुनता भी है और अपना रहमत करम फजल करके नबी के सदके तुफैल में अपना इल्म भी अता कर देता है। अल्लाह अपना इल्म जिसे अता कर दे उसे कहते इल्म अदुनी, अल्लाह का इल्म अदुनी माने उसे इलाहम हो रहा है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से वो इलाहम होता है, वो इल्म अल्लाह की तरफ से आता है। तो अल्लाह तुम्हारा काला रबुल खजाने में कमी नहीं है। कब किसकी अदा पसंद हो जाए, कब किसकी अदा पसंद हो जाए, किस वक्त की दुआ कबूल हो जाए, ना जाने किस वक्त का आंसू बहाना उसको आजीजी खसखारी के साथ आंसू बहा रहा है, फरियाद कर रहा है। तो अल्लाह तबारक ताला रब्बुल आलमीन फरियाद के फरियादी सुनता है अपने नबी के वसीले, मौला अली मुश्किल कुशाली के वसीले, इमाम हसन हुसैन के वसीले, अल्लाह के प्यारे नबी बेटी फातिमा के वसीले। अल्लाह रहमत और करम फजल कर देता है, सुनता है, सुनता भी है और देखता भी है और अल्लाह कहीं दूर भी नहीं है, अल्लाह कहीं दूर भी नहीं है, वह कोई ऐसा मुकाम नहीं कि वहाँ जाकर तलाश करोगे, वह कोई ऐसा गांव नहीं है कि वहाँ जाकर तलाश करोगे, अल्लाह मौजूद है, अल्लाह है, अल्लाह मौजूद है, मगर देखने का हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है, देखने का हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। वह मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह का जब नूरे जलवा रोशनी हुआ तो बेहाल हो गए, अल्लाह को देख पाए। तो अल्लाह तबारक ताला रब्बुल आलमीन बहुत मेहरबान है नबी के उम्मत पर, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे प्यारे लाडले नबी, तुम्हारे उम्मत में देख पाएंगे, तुम्हारे उम्मत में देख पाएंगे तुम्हारे सदके तुफैल वसीले। जो नबी पैगंबर के कौम नबी पैगंबरों को कौमों को नहीं देख पाए, वो आखिरी नबी के उम्मत में अल्लाह के वनूर रोशनी तजल्ली को देख पाएंगे। तो अल्लाह के नूर रोशनी तजल्ली देख पाएंगे, वही नूर रोशनी दिल में रोशनी हो जाएगा, वही आशिक रसूल हो जाएगा, फिर वही आशिक रसूल हो जाएगा। तो अल्लाह कहीं दूर नहीं है, अल्लाह कहीं दूर नहीं है। अल्लाह एक नूर है, अल्लाह कहीं दूर नहीं है, अल्लाह एक नूर है, वाहिद एक माबूद है, पाक है, बेऐब है, बेनियाज है, उसका कोई शरीक नहीं है। वाहिद एक माबूद अल्लाह है मगर नूर है, कलमा भी नूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे अला नूर है। जब नूरे अला नूर है, रहमतुल आलमीन है, तमाम आलम मखलूक कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा रहमतुल आलमीन परवरदिगार रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह भी नूर है, तो अल्लाह के नबी भी नूर है, तो एक ही तो नूर है।
नूर तो एक ही है, वही एक नूर से रोशनी नूर तजल्ली, जलवा नुमा हुआ कहे तूर पर, मूसा नबी देख ना पाए बेहाल होकर बेहोश हो गए। तो अल्लाह के नबी क्या नूर है और नूर रोशनी है। किसी पर एक है कि हमारा घर था अंधेरा, मेरा घर था अंधेरा, मेरा घर था अंधेरा, क्या करम हुआ मुर्शिद का कि मेरे घर में रोशनी हो गई। वही है पीराने पीर दस्तगीर गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी, उनके नजर ही करम है, जब करम हो गया तो मेरा घर अंधेरा था रोशनी नहीं, अंधेरा दूर हुआ रोशनी मिल गया। मेरे घर में खुशियां नहीं था, मेरे घर में खुशियां नहीं था, अरे खुशियां मिला है तो मेरे गौस पाक के कर्म से मिला है। उनका नूर नजर रहमत नूर के कर्म से मिला है। मेरे घर में रौनक नहीं था, मेरे घर में रौनक नहीं था और रौनक मिला है तो पीरों के पीर हैं रोशन जमीर दस्तगीर हैं, उनके कर्म से मिला। गौस पाक है, मेरे गौस पाक पिराने पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी सैयद सुभानी साहे जिलानी, नूरे नजर करम जिस पर हो जाए, अदना से आला बना देते हैं, अदना से आला बना देते हैं, अपने मुरीदों को बहकने नहीं देते, गिरते हुए मुरीदों को संवार देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अदना से आला बना देते हैं और मौला मौला से मिलाने के रहमतुल लिल आलमीन के इश्क में डुबा भी देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यारे नबी के नूरे नबी के सदके तुफैल में प्यारे नबी के इश्क में डुबा देंगे। वही माबूद परवर दिगार अपना नूर का तजल्ली नूर रोशनी का दीदार भी करा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हमने कहा कि कोई शहर नहीं है, कोई मुकाम नहीं है कि अल्लाह को वहाँ जाके तलाश करोगे, कोई गांव नहीं है। तो मेरे गौस पाक पिराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर अर्श फर्श के रोशन जमीर और माँ के पेढ़ी से 18 सिफारा हाफिज कुरान, माँ के सितम ही से करामती जाहिर है, माँ के सितम ही से करामती जाहिर है। जब माँ के सितम में थे, माँ का दिल चाहा वो झाड़ का फल खाएंगे, तो झाड़ के डाल पे सांप बैठा हुआ था। तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह माँ के सितम में नूरे नजर नूरे इलाही माँ के जिसमें मुबारक अधर में थे, जब गौस पाक का वालदा जब उठे तो आप एक छलांग लगाए तो माँ दर्द कमर बढ़ी। या गौस पाक पिराने पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी साहे सुभानी रहमानी दुनिया में अल्लाह तबारक ताला नमूदार हुए अल्लाह ने जाहिर कर दिया। जब वो उम्र हुआ तो कहने लगे अपने वालदा से कि मेरी माँ आपके ऊपर मेरा एहसान है, अरे बेटा मेरा तेरा एहसान मेरे ऊपर क्या है, मेरा एहसान तेरे ऊपर है, तू मेरे सितम में था, अल्लाह ने दुनिया भेजा, मेरे सीने का दूध पिया, तेरे पैखाना पेशाब हमने धोया, मेरे वसीले तू इतना बड़ा उम्रदार हो गया, तेरा एहसान क्या।
तो बोले अम्मा याद दिलाए, बोले बताओ तफसील से बताओ कि आपका एक झाड़ फल का था, आपका नियत हुआ झाड़ का फल खाने के लिए, लेकिन वो झाड़ के डाल पर सांप बैठा हुआ, आप फल खड़े होकर फल तोड़ते तो जहर डाल देते, तो हम छलांग लगाए तो आपका दर्द हुआ था, अब बैठ गए। बोले हाँ, तो माँ के सितमी से करामती जाहिर है। तो घास पाक पिराने पी नूरे नजर करम जिस पर हो जाए, जिस पर नजरे करम हो जाए, इलम के समंदर है, घास पाक है, अदना से आला बना देंगे, अदना से अल्लाह बना देंगे, अल्लाह ताला नूर नबी के सदके तुफैल में अल्लाह ताला से भी मिला देंगे। अरे मांगा था कतरा समंदर दिखा दिया, मांगा था कतरा दिले मोहब्बत से, दिले मोहब्बत से हाथ उठाकर आंसू बहाए थे, मेरे गौस पाक आप तो दिल से मोहब्बत से पुकारने से मदद के लिए आते हैं, हमारा यकीन और ईमान है, तो हमारी रहनुमाई फरमाई। तो क्या शान है, क्या शान है वह नूरे नजर करम कि रात के 2 बजे जब हम सूरह फातिहा पढ़ते जा रहे हैं, कोई इंसान नहीं और सामने एक बैग सादा लिबास सादा पगड़ी में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और खुद ही सलाम किए, हम नादान इंसान समझ ना पाए, हमने जवाब दिया, सीने से सीने लगाए, सीने में दबाए, बोले बेटा जाओ नमाज कायम करते रहो, आप शरीयत की पाबंद हो, इसलिए कह रहे हैं कि मांगा था कतरा समंदर दिखा दिया, इतना दिया जो दामन में समेटा ना जाए। ओ गुल हैं जमीर हैं, ओ गुल हैं जमीर हैं, रहमत के नूर का रोशनी का एक फूल है, वो फूलों में खुशबू, वो फूलों में खुशबू है जन्नत का, वो फूल का नाम है मोहम्मद रसूल अल्लाह, फूल को ना भूलना, ये फूल को ना भूलना, ये फूल में राज है मौला का, ये फूल में खुशबू है जन्नत का, अरे जिसे खुशबू मिल गया, अरे जिसके जिसको खुशबू मिल गया, वो प्यारे नबी के आशिके दीवाना हो गया, ये फूल के खुशबू में ये तासीर है, प्यारे नबी के जिसमें मुबारक के पसीने में देखो तो क्या तासीर है, नजदी तुझको कौन समझाएगा, ऐ नजदी तुझे कौन समझाएगा, कुरान भी पढ़ के जाएगा जहन्नम में जाएगा, ऐ नजदी तुझे कौन समझाएगा, कुरान भी पढ़ कर जाएगा जहन्नम में जाएगा, जब समझा नहीं तू प्यारे नबी को नूरे अला नूरे नबी को, रब के लखत जिगर प्यारे नबी को, रुसवाई तुझे जमीन पर होगा, रुसवाई जमीन पर होगा, और हश्र मैदान में रुसवाई भी होगा, वही सुन्नी होगे नूरी चादर के साये के नीचे, यही आला हजरत के कलम लिख कर गया है, ऐ सुन्नियो आला हजरत का
हाथ मुबारक के लिखा किताब पढ़ ले अपने हयात में और सुन ले पढ़ ले अपने प्यारे 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 रजा के हाथ मुबारक के लिखा हुआ प्यारे रसूल के नाते रसूल पढ़ ले आला हजरत के रजा में राज है पर्दा शरीयत नूर का आला हजरत अपने हाथ मुबारक से किताब जो लिखे पढ़ ले सुन्नी समझ ले अमल करना बेहतर है अमल करना बेहतर है दिल जानों में राहत मिलेगा ऐ सुन्नी नमाज कायम होगा सुन्नी इलाही रहमत का वो शरीयत में वो राजनियाज है। तो इन चीजों को समझना समझना और सोच समझ के इस पर अमल करना तो बेहतर है। इसलिए अपने अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने आल औलादों को दीन की तरफ फिर पता नहीं सामने साल हफ्ता महीना साल त्यौहार को आता ही रहेगा फिर आला हजरत को उस मुबारक में हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे क्या है? कल कहा था कि लॉकडाउन होने के बाद पता नहीं लोग क्या क्या स्कीमें बनाएंगे जी। अब धरना में बैठ गए हिंदू राज बनाओ आप सामने क्या मदरसा बन करो 600 मदरसा देख लो स्कीम देखो शुरू हो गया ना देखा जाए उसकी राम में ताकत है कि वलियों में ताकत है। या उसका श्री कृष्णा में ताकत है कुरान में ताकत है देखा ही जाए ये वक्त बताएगा इसे वक्त नहीं बताएगा।